हेलो नमस्कार बंधु आचार्य, मैं आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, भविष्य सुरक्षित करने को लेकर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अल्टीमेटम दिया है सरकार को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। सुनील से परिहार जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर, और शासन से क्या आग्रह किया है, और पीडी खेरवार जी ने क्या कहा है। मैं आपको तीन वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें अतिथि शिक्षकों के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। और सुनील से परिहार जी ने अतिथि शिक्षकों को भी सूचना जारी की है और सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पीडी खेरवार जी ने और नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया है। जिस स्कूलों में अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट कम आया है उनको न रखने के निर्देश दिए गए हैं डीओ द्वारा, और लोक शिक्षण संचालन ने आदेश जारी किया गया, तो इसको लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचना जारी की गई है। इसमें बोला गया है सरकार फिर से पुनः विचार कर रही है अतिथि शिक्षकों को रखने ना रखने को लेकर, ठीक है फ्रेंड। तो हो सकता है अतिथि शिक्षकों को पुनः रखा जाए ताकि अतिथि शिक्षक रिजल्ट सुधार सके, लेकिन इसमें अतिथि शिक्षकों की गलती नहीं है। जहाँ पर रिजल्ट आया वहाँ पर नियमित शिक्षकों ने अतिथि शिक्षकों के ऊपर ब्लेम लगा दिया है कि अतिथि शिक्षकों की वजह से ही रिजल्ट खराब है, जबकि नियमित शिक्षकों की वजह से मध्य प्रदेश में स्कूलों में रिजल्ट खराब आया है। और सरकार की बहुत सी नीति के कारण भी अतिथि शिक्षकों ने सही तरीके से बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि कहीं ट्रांसफ़र कर दिए, कहीं दो तीन महीने पढ़ाया, अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया। इसके कारण अतिथि शिक्षकों ने पूरी शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, जिसकी वजह से भी रिजल्ट खराब हो सकता है। लेकिन सरकार सब अतिथि शिक्षकों के ऊपर ब्लेम लगा रही है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं और आपको तीन वीडियो दिखाने वाला हूं। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल न सही भेट पा। पिछले एक दो दिन में रायसेन, दमोह सहित कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने 30% से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले अतिथि शिक्षकों को आगामी सत्र में ना रखने का आदेश जारी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खराब परीक्षा परिणाम के लिए सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार हैं, ना कि अतिथि शिक्षक। बीच सत्र में सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफ़र करना, इस वजह से परीक्षा परिणाम खराब हुआ है। दूसरा, बहुत से प्राचार्य खुद की नाकामयाबी का ठीकरा अतिथि शिक्षकों के ऊपर फोड़ रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं, सभी के परीक्षा परिणाम की समीक्षा की जाए, और वास्तव में यदि पूरे सत्र किसी अतिथि शिक्षक ने काम किया है, उसका परीक्षा परिणाम खराब है, तो उसके पिछले सत्र का परीक्षा परिणाम भी देखें। और बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने दो तीन माह काम किया है, उनको रिजल्ट को इस दायरे में न रखा जाए, क्योंकि दो तीन महीने में कोई व्यक्ति कैसे परीक्षा परिणाम सुधार सकता है। उनको एक शपथ पत्र लेकर आगामी सत्र में अतिथि शिक्षक जिनकी कक्षाओं की या जिनकी विषयों के परीक्षा परिणाम 30% से कम आए हैं, ऐसे अतिथि शिक्षकों को काम से अलग किए जाने के जो सरकार के आदेश, सरकार के फरमान जारी हुए हैं, उनका अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश सरकार घोर निंदा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर परसेंटेज 30% से कम आया है परिणाम, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है। आपको बता दूं, इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। जिम्मेदार सरकार इसलिए है क्योंकि सरकार ने मुख्य शिक्षा सत्र के दौरान तरह तरह के आदेश जारी करके, जैसा कि शिक्षक भर्ती भी शिक्षा सत्र के दौरान, शिक्षकों का ट्रांसफर भी शिक्षा सत्र के दौरान, शिक्षकों का प्रमोशन भी शिक्षा सत्र के दौरान, और भी गैर शिक्षकीय कार्य जैसे चुनाव शिक्षा सत्र के दौरान, और भी सर्वे, MDM आदि तरह तरह के जो आदेश निर्देश होते हैं वो शिक्षा सत्र के दौरान ही होते हैं। इन सब का असर शिक्षकीय व्यवस्था पर ऐसा पड़ता है कि अधिकतर पीरियड में शिक्षकों को कक्षाओं में जाने तक का मौका नहीं मिलता है। अब आप बताएं, जब शिक्षकों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा तो बेहतर परीक्षा परिणाम आप ही कह सकते हैं। पढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ अतिथि
मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। जी हां, स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे अतिथि शिक्षकों को इस बार नहीं रखेगा जिनके पढ़ाने वाले सब्जेक्ट में परीक्षा परिणाम 30% कम रहा है। रायसेन डीईओ ने 30% से कम रिजल्ट जिस अतिथि शिक्षक का रहा हो उसको पढ़ाने नहीं दिए जाने का आदेश जारी किया है, जिसमें आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश का जिक्र है। बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दसवीं और बारहवीं क्लास का जो परिणाम है वो पिछले सालों की तुलना में गिरा है और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर एक बार फिर से अब जो संकट के बादल हैं वो छाए हुए हैं, एक फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत ऐसे अतिथि शिक्षक को इस बार नहीं रखेगा शिक्षा विभाग जिनके पढ़ाने वाले सब्जेक्ट में परीक्षा परिणाम 30% कम रहा। आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। आकाश, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए अतिथि शिक्षकों के भविष्य के मद्देनजर? देखिए, इस पूरे फैसले में दो तरह की बातें हैं। पहली बात यह है कि सिर्फ उन शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा जो पहले पढ़ाते रहे हों और उनके पढ़ाने वाले विषय में जो रिजल्ट है वो 30% से कम हो। अब इसमें जो दो महत्वपूर्ण बातें अगर उनका हम जिक्र करें तो स्कूल शिक्षा विभाग की पहली कोशिश तो ये हो सकती है कि जिस शिक्षक के सब्जेक्ट में 30% से कम है, यानी कि बच्चों को अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षक मिले, पहली मंशा ये है, हो सकता है बच्चों को इससे फायदा हो। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में उन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा जिनके कक्षा में बच्चे या तो पढ़ते नहीं है या फिर वो बंक करते हैं या क्लास नहीं पहुंचते हैं, और इसके बावजूद अगर उनकी कक्षा में रिजल्ट कम आया हो, जहां वो पिछली बार पढ़ा रहे थे, इसके पहले जहां वो पढ़ा रहे थे, और रिजल्ट 30% से कम बनता है, तो ऐसे में उस अतिथि शिक्षक की गलती क्या है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और स्कूल शिक्षा विभाग का ये आदेश रायसेन जिले से जो जारी हुआ, रायसेन जिले के लिए जो जारी हुआ, ये इस वजह से चर्चा में है क्योंकि इसमें लोक शिक्षण संचालनालय का जिक्र किया गया है, और ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाएगी और इसलिए उनके लिए चिंता का विषय भी बना हुआ, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पहले भी लंबे वक्त से परेशानियों का सामना ये शिक्षक करते रहे हैं और अब ये फैसला कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति में और बाधा बन सकती है, खासतौर पर उन शिक्षकों के लिए जिसका इस आदेश जिक्र किया गया है, जिनके पढ़ाने वाले सब्जेक्ट में बच्चों के जो परसेंटेज है वो 30% से कम रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस आदेश का आगे चलकर क्या होता है, क्या इसमें कुछ संशोधन किया जाता है या फिर स्कूल शिक्षा विभाग इस मसले पर कुछ और सोच रहा है, क्योंकि जिन दो बातों का हमने जिक्र किया है, इस बार दसवीं का परीक्षा परिणाम गिरा है और ऐसे में हो सकता है इसे बेहतर करने की कोशिश की गई हो। बिल्कुल आकाश, मंशा तो अच्छी है कि बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको परेशानी का सामना आने वाले भविष्य में करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए फिलहाल।